मुझे पास रहना चाहिए, रहना चाहिए। मेरी वजह से ना आप लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जीते जी तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद शायद मेरी मौत से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अभिमन्यु, अभी प्लीज मम्मी जी, अभी दरवाजा खोल बेटा, बी प्लीज। अभी अभी दरवाजा खोलो। देखो कोई भी कदम उठाने के पहले एक बार प्लीज हमारे और सिमी के बारे में सोच लेना। पापा सब बात कर रहे हैं कि आप लूजर हो, आप मेरे पापा नहीं हो। वो बहुत छोटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है। अभी प्लीज दरवाजा खोलो। अभी भैया प्लीज खोलिए ना, भैया प्लीज खोल दीजिए दरवाजा। प्लीज दरवाजा खोलिए भैया प्लीज। मुझे जीने का कोई हक नहीं। नहीं भैया, यही बचा था। हाँ, अरे ऐसे मरना डरपोक लोगों की निशानी होती है। हम शांतनु भाईचंद के बेटे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको लगता है लूजर है आप, इसलिए करना चाहते हैं ना? हाँ इसलिए करना चाहते हैं ना, लेकिन एक बार भी सोचा है कि हमें हमारा घर वापस मिल गया है और धीरे धीरे बाकी सारी चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन अगर फिर भी आपने ये कदम उठाया ना अभिमन्यु भैया, सिमी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो जिंदगी भर इसी सदमे में रहेगी कि शायद उसके पापा सच में एक लूजर थे। हम सब है आपके साथ, हम ठीक है, हम सबके लिए नहीं तो ना सही, लेकिन सिमी के लिए आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक बच्चे की जिंदगी में उसके फादर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो क्या आप चाहते हैं कि जो तकलीफें अपने से ही, वो सारी तकलीफें सिमी भी से है? हाँ? तो मैं क्या करूँ बाबा, मैं क्या करूँ बोलिए ना। पहले बीवी के ताने, फिर घर वालों के, और अब यहाँ पे समाज के ताने। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे स्टार भारत पर।